नमस्कार मित्रों, मैं अनीस वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं काशी इंटर मॉडल स्टेशन। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि है क्या। इंटर मॉडल स्टेशन का मतलब ये होता है कि वह स्थान जहां पर बस, ट्रेन, हेलीपैड और वाटर यानी नभथल थल सबसे जुड़ा हुआ ऐसा स्टेशन जहाँ पर आपको सभी सुविधाएँ देखने को मिलेंगी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास किए थे उसी टाइम पे इस मॉडल की परिकल्पना किए थे और उसी का एक छोटा सा पार्ट है नमो घाट, जिसे नभथल जल से जोड़ा गया है। और बताओ दोस्तों कि जो काशी स्टेशन है यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 40 एकड़ में इस स्टेशन निर्माण किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर पहला काम यानी अधिग्रहण के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तोड़ा गया है मकानों को। और ये जो ज़मीन है वो रेलवे की है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ तोड़ने में। आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। सामने जो आप स्टेशन देख रहे हैं वो है काशी स्टेशन। यहाँ पर इस समय कुल प्लेटफॉर्मों की संख्या की बात करें तो 3 है और यहाँ पर 36 ट्रेनों का हॉल्ट है और समूह तल से इसकी ऊँचाई 83 मीटर है। और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेन भी आ रही है सामने। और जो स्टेशन बनाया देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरी ज़मीन ली जाएगी, यहाँ से बढ़ते हुए इस साइड पूरा यहाँ जीटी रोड तक पूरा ये रोड का पूरा साफ किया जाएगा और यहाँ पर इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा। हम देख सकते हैं सामने यहाँ पर ये जितने मकान थे सभी तोड़ दिए गए हैं। और इस काम के लिए दोस्तों यानी ये जो तोड़ा गया है इसके लिए बाकायदा 10 बुलडोज़र, 2 पोकलेन लगाए गए थे और 125 कच्चे पक्के मकान और झोपड़ियां ज़मीन दो की गई है। यहाँ देख सकते हैं। और जगह की बात करें तो ये किला कोहना नाम से जगह प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर किला हुआ करता था। और यहाँ पर जो आप सामने ये कब्र देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों की है, देख रहे सामने। अभी देख सकते हैं काफ़ी हम ऊंचाई पे हैं, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है तो समझ सकते हैं काफ़ी ऊंचाई वाले एरिया पे अभी हम लोग हैं। और यहाँ पर जितने जगह आप देखेंगे चारों तरफ आपको ये पूरा मैदान आने वाले समय देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 दिन का समय दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मलबा हटाने का काम स्टार्ट कर लिया जाएगा, यानी जितने भी किसी का मकान कुछ अंश से अपना लोहा हुआ है, गाटर वाटर जो भी इसको लेके जा रहा है अभी 10 दिन तक, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा JCB से काम लग जाएगा और फिर काम की स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं दोस्तों कि अचानक काम किया गया है, इसके लिए बाकायदे 13 अप्रैल को नोटिस भी दिया गया था लेकिन उस टाइम अनदेखी किया गया था। और ये जो हटाया गया है 4 एकड़ में ज़मीनों को पे बने मकान घोटाया गया है। यहाँ देख सकते हैं इस साइड आप सामने गाड़ियों का गमन देख रहे हैं, ये राजघाट पुल का मार्ग है सामने, जैसे देखेंगे उधर आपको पूरा एकदम मकान टूटे हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर काशी रेलवे स्टेशन को केंद्र बनाकर प्रोजेक्ट को आकार दिया जा रहा है और इस इंटर मॉडल स्टेशन पर बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, वाटर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होगी, जिसका एक भाग आपका है नमो घाट। अब फिलहाल नमो घाट फेज़ 1 का उद्घाटन यानी लगभग काम तो पूरा हो चुका है, फेज़ 2 का काम चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जितने जगह आप मकान टूटे हुए देखने को मिलेंगे। अभी डेट टाइम की बात बता दूँ आपको तो अभी देखिए टाइम हो रहा है 7:12 दिन गुरुवार 1 जून, तो जून की पहली वीडियो है ये जिसमें मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो इंटर मॉडल स्टेशन बन रहा है इस स्टेशन पर 5-स्टार होटल, बजट होटल की सुविधा भी होगी और अर्बन हट व यात्री सुविधा के सभी अत्याधुनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो सामने जो रोड देख रहे हैं वो जीटी रोड है, ओल्ड जीटी रोड, यानी एक तरफ पड़ाव दूसरी तरफ कैंट को जोड़ता है। और इस एरिया को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि रोड, रेल, वाटर सभी से कनेक्टेड होगी और एयर के लिए 2 हेलीपैड नमो घाट फेज 2 पर बनाया गया है। और दोस्तों फर्स्ट फेज में लगभग 340 करोड़ का काम किया जा रहा है
और पूरी प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 3000 से भी अधिक करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट काम हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो रेल कम रोड ब्रिज का काम है, जिसकी वीडियो मैं पहले बना के बता चुका हूँ आपको। और लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित किया जा रहा है और इसकी कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मार्ग से रिंग रोड व प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज से भी होगी। और कैंट स्थित रोड बस स्टेशन है उसे भी यहाँ पर शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही काशी स्टेशन है वहाँ पर जो 3 प्लेटफार्म है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और जो ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है इसके बन जाने के बाद स्पीड जो लिमिट है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो जाएगी। और दोस्तों किला कोहना एरिया में जो अधिकतर आबादी है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की आबादी है और रेलवे ज़मीन होने की वजह से इनके पास तो कोई कार्य स्थान ही, इस वजह से ज़्यादा मतलब होता ना कि विरोध नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके पास कागज़ है तभी आप इस चीज़ का मतलब विरोध कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष, लेकिन वैसा था नहीं इसलिए आसानी से इसे जमीन दो कर दिया गया है। और अगर यहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं के लिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर सिटी बस टर्मिनल होगा और 8 मीटर ऊंचाई पे काशी रेलवे का रिमॉडलिंग किया जाएगा और करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर तीसरी मंजिल पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल सर्विस की सुविधा दी जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं बसी बसाई आबादी को यहाँ पर हटाया गया, तो इतना काम ये आसान था नहीं। और वहीं इंटर मॉडल स्टेशन पर आने जाने के लिए एलिवेटेड यानी फ्लाईओवर होगा और रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए अलग फ्लाईओवर होगा। देखिए हैंडपम्प है, ये पूरा का पूरा एरिया गिरा दिया गया है। और दोस्तों जुलाई से लगभग इसका काम स्टार्ट होने की उम्मीद है और इस मॉडल स्टेशन को 30 महीने में तैयार किया जाएगा और यह 3 मंजिला होगा और यात्री टिकट लेकर सीधे प्लेटफार्म पर न जाकर कौनकार पर जाएंगे। और यहाँ यात्री बड़े लाउंज में बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे जिससे यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी मिलेगी और ट्रेन आने के 140 सीढ़ियों से होते हुए प्लेटफार्म पर पहुँच जाएंगे, यानी अत्याधुनिक सुविधाएँ यहाँ पर होने वाली है। और दोस्तों अन्य विषय की अगर जानकारी बात करता है तो इस काशी स्टेशन के सभी ट्रैक को दुरुस्त करके इसकी पटरियाँ भी चेंज की जाएंगी और मॉडल स्टेशन के यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें गुजरेंगी। इसके अलावा इसके लिए 2 द्वार बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों का आना और जाना होगा। अभी सिर्फ 1 निकास द्वार है जो कि प्रहलाद घाट की तरफ खुलता है, इसका अलावा जो नया गेट बन रहा है वो राजघाट की तरफ प्रस्तावित, जिस साइड देख रहे रोड ये आना जाना हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके मन में एक रोष है, गुस्सा है कि उनके घर बसी बसाई को हटाया गया। यहाँ देखिए दोस्तों आप ये पूरा मकान देख सकते हैं, लगभग कहा जाता था करीब 125 से अधिक परिवार के लोग यहाँ पर मकान में रहते थे जो कि तोड़ा गया है। और ये देख सकते हैं बाकायदे एक पूरी एरिया था, हाँ जो लोग दोस्तों देखिए नहीं टूटा था वो अपने से अपना तोड़कर दरवाज़ा ईंट निकाल रहे हैं। और कितने लोग कहना है कि भैया जो मतलब लोगों पब्लिक रिव्यू मैंने लिया तो बता रहे थे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कम से कम मुआवजा देना चाहिए या फिर कई जगह देना चाहिए, घर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला कोई अमीर आदमी नहीं, सब गरीब आदमी है, तो उनके हित का भी ध्यान देना चाहिए था। बाकी कुछ लोग तो सरकार को कोस रहे हैं कि ऐसी सरकार होने की वजह से यहाँ पर उनको बेघर होना पड़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों आप, और दोस्तों बता दूं कि सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 125 मकानों जो तोड़ा गया है उसमें अतिक्रमण में रेलवे के भी जो 2 ब्लॉक के 8 क्वार्टर थे उन्हें भी हटाया गया है। और गुरुवार को यानी आज मलबा हटाने का काम किया जाएगा और इसमें एक मामला जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित है उसे छोड़ा गया है। इसके साथ ही जो धार्मिक स्थल है और पानी टंकी, देखिए धार्मिक स्थल है, देख रहे हैं धार्मिक स्थल आप, ये पानी टंकी है, इसे छोड़ दिया गया है।
आप दोस्तों बता दूं कि जो काशी स्टेशन बनने के बाद यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ हैं वो भी तेज़ की जाएंगी, सीधे हाईवे से इसे जोड़ा जाएगा। इससे ट्रेनों के आने जाने से उत्पादों को जो है वह सड़क मार्ग से दूसरे शहरों तक भेजा जा सकता है और स्टेशन को सीधे रामनगर बंदरगाह से भी जोड़ने की योजना है। चलिए दिखाता हूँ मार्ग रोड का कैसा यहाँ पर है जोड़ने का। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ये कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो भी यहाँ से हटी है। बाकी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कितना थोड़ा गया है। चलिए बाहर चलते हैं, आपको मेन रोड दिखाते हैं कौन से रोड पर ये कार हो रहा है। बाकी मेरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देना और कहाँ पे ये काम हुआ है और आपको वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों से अपडेट कराना, ये प्रोजेक्ट था। चलिए बाहर चलते हम लोग, दिखाते पूरा एरिया के कौन से रोड से ये काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर कई सारे दुकानें थी रोड किनारे वो भी हटा दी गई हैं। देखिए यहाँ से आप, चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से टोकलें से थोड़ी तो रोड देखिए ख़राब हुआ है ना। और दोस्तों ऐसा प्रस्ताव है कि सामने अंडरपास भदन चुंगी का है उसे भी चौड़ा करके सिक्सन किया जाएगा, प्रस्ताव है ऐसा। यहाँ देखिए जो मलबा है वो लोहे वाला जैसे गेट हो गया, लोहे के पत्रे हो गए, उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखिए एक पिकअप में लेके जाया जा रहा है। दोस्तों आया तो सोचा आपको यहाँ पर स्टेशन भी दिखा दूँ, यह स्टेशन जिसका कायाकल्प किया जाएगा, इंटर मॉडल स्टेशन बनाया जाएगा, यह है काशी स्टेशन। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ देखिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, इतने बड़ा स्टेशन है ये। यहाँ से बढ़ाते हुए इसको पूरा एकदम वहाँ तक लेके जाया जाएगा। बाकी देख सकते हैं ये है रेल मार्ग जिसमें चल रहे सड़क मार्ग है और इसके बगल में ठीक यहाँ पर डबल डेकर रेल कम रोड ब्रिज बनाया जाएगा। बाकी सामने गंगा जी तो नीचे इसके घाट बनाया गया है नमो घाट, और नमो घाट पर हेलीपैड बनाया गया तो नव थल जल तीनों से जुड़ गया ये घाट। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं स्टेशन और जो कार्रवाई की गई दोस्तों यहाँ से दिख रहा था, इसमें दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से लेकर वो टंकी पानी टंकी दिख रहा है वहाँ तो पूरा ये कार्रवाई इस एरिया को किया गया करीब 4 एकड़ का कार्रवाई। क्यों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है आपको सटीक का सही जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट पर देना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ दिखा सकूँ आपको कितना काम यहाँ पर हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर एक यहाँ जगह 3 जगह मार्किंग की गई है क्योंकि जो ब्रिज बनेगा वो 6 लेन का बनेगा नया जो ब्रिज बनेगा और नीचे जो रेल लाइन होगी उस पर 4 रेलवे लाइन होगी। ये सामने दोस्तों आप देख रहे हैं ये है आपका लाल खा राजा का मकबरा और दोस्तों ये सामने किला कोहना कुछ अंश है देखिए यहाँ पर ये वाकई देख सकते हैं वहाँ पर जमींदोह किया गया पूरा का पूरा एरिया। बाकी दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसी तरह डेवलपमेंट वाली ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।